नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में ईद उल फितर पर लाट मस्जिद परिसर में नमाज अदा की गई, शांति और सौहार्द की दुआ मांगी गई। धार में लाट मस्जिद स्थित परिसर में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ईद उल फितर की नमाज अदा कर ईद का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा शांति और सौहार्द से त्यौहार मनाया जाए, इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। एडीएम केएल मीणा, एसडीएम दीपाश्री गुप्ता, एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, नगर पालिका के अधिकारी निशिकांत शुक्ला, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी व अमला मौजूद रहा। सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे, शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज व त्यौहार मनाया जा सके, इसके लिए धार शहर में पुलिस बल तैनात किया गया। शहर काजी वकार सादिक के द्वारा जिले के वासियों को ईद की मुबारकबाद दी गई। देश व धार शहर में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे, ऐसी दुआ मांगी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर केएल मीणा, एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने ईद की जिले वासियों को बधाई दी व शांति व सौहार्द से त्यौहार मनाने की अपील की गई। परशुराम जयंती की भी धार शहर की जनता को अधिकारियों के द्वारा बधाई व शुभकामनाएं दी गई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत खुशी हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज़ की अदा की और शहर की और मुल्क की शांति के लिए, अमन चैन के लिए दुआ की गई। सभी लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते की जो खूबसूरती है वो हमारी एकता से है, तो सभी लोग एकता और भाईचारे से रहें और आपस में प्रेम और विश्वास बढ़ा रहे, बस यही सबसे निवेदन। वकार सादिक, शहर का जनता के लिए, पूरे ज़िले की जनता के लिए संदेश यही है कि सौहार्द से और खुशी से जो त्यौहार है उसको मनाएं और इस अवसर का जो हर्षोल्लास का माहौल रहता है उसको बनाए रखें। ईद और परशुराम जयंती का जो त्यौहार है, इसके अवसर पर पुलिस के द्वारा बहुत ही पुख्ता व्यवस्था लगाई गई है। सारे जो भी धार्मिक स्थल हैं, ईदगाह स्थल हैं, शहर के फिक्स पॉइंट हैं, सभी पॉइंट के पुलिस को लगाया गया है। पेट्रोलिंग पार्टी, मोबाइल पार्टियाँ भी लगातार राउंड द क्लॉक है। सीनियर ऑफिसर भी सभी मूवमेंट में हैं और सभी जगह ईद की नमाज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई है और सभी जगह बहुत शांति है। तो शाम को भी जो जुलूस वगैरह परशुराम जयंती के, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है और सभी से यही है कि शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से इस त्यौहार को मनाएं।